सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट फाइनली हो चुकी है रिलीज। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है फिल्म ट्यूबलाइट की स्टोरी। फिल्म ट्यूबलाइट लक्ष्मण सिंह बिष्ट और भरत सिंह बिष्ट नाम के दो भाइयों की कहानी है, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा है कि वो एक दूसरे से अलग होकर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्न तब आता है जब अचानक एक दिन इंडिया और चाइना के बीच जंग छिड़ जाती है। इस जंग के लिए जगतपुर में रहने वाले भरत यानी सोहेल खान को फौज में भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन ये बात लक्ष्मण यानी सलमान खान को बिल्कुल मंजूर नहीं होती। वो भरत को लड़ाई पर जाने से रोकते हैं, लेकिन भरत लक्ष्मण को वादा करते हैं कि वो जंग के खत्म होते ही जल्दी लौट आएंगे। लड़ाई के दौरान लक्ष्मण को एक दिन अचानक खबर मिलती है कि उसका भाई भरत जंग में शहीद हो गया है। ये सुनकर लक्ष्मण अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने भाई को ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन अब सवाल ये था कि वो दुश्मन देश में अपने दोस्त जैसे भाई को कैसे ढूंढेगा। इस परेशानी का हल उसे अपने दोस्त मतीन और जूजू के रूप में मिलते हैं। तीनों बॉर्डर पार कर चाइना पहुंचते हैं, जहां सलमान यानी लक्ष्मण को पता चलता है कि उसका भाई मरा नहीं, जिंदा है। आखिर कैसे सलमान को पता चलता है कि भरत जिंदा है और वो कैसे अपने भाई को ढूंढ निकालते हैं, इन सभी सवालों का जवाब सलमान के गले में टंगे जूतों से मिलता है। एंड फॉर दैट यू मस्ट वॉच दिस मूवी। देखा जाए तो ट्यूबलाइट को सलमान के फैंस ईद पर मिले एक बेशकीमती गिफ्ट की तरह ट्रीट करेंगे। फिल्म की यूएसपी सलमान की मासूमियत है, जो व्यूवर्स को अपनी ओर खींच लेती है। फिल्म में ऐसे कई मोमेंट्स हैं जो आपको हंसने और रोने पर मजबूर कर देंगे। वहीं शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस एक सरप्राइज पैकेज है। एक जादूगर के रूप में शाहरुख सलमान खान के भीतर के सोए हुए यकीन को जगाने का काम करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो फिल्म में ओम पुरी, सोहेल खान, चाइनीज एक्ट्रेस जूजू और चाइल्ड आर्टिस्ट मतीन ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। फिल्म ट्यूबलाइट में प्रीतम का म्यूजिक सिचुएशन के हिसाब से सही लगता है। ओवरऑल देखा जाए तो बजरंगी भाईजान के बाद सलमान और कबीर खान की सुपरहिट जोड़ी कुछ और नए रिकॉर्ड्स बनाने के मूड में लग रही है। वैसे दोस्तों, कैसी लगी आपको फिल्म ट्यूबलाइट की ये कहानी, और क्या आपको भी लगता है कि सलमान की ट्यूबलाइट फिल्म दंगल और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करना नहीं भूलिएगा। कीप वॉचिंग एम्प्टी माइंड्स।